Hey guys, what's up everybody, it's Sweet Bunny back to a new video. Okay, so guys, आज मैं review करने वाला हूँ Lakme 925cc complexion care cream का। So guys, सबसे पहले मैं इसको overall packaging के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे mention किया हुआ 30 ग्राम का पैक है और यहाँ पे इसका प्राइस भी mention किया हुआ है, इसका प्राइस है 299 रुपीज। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख के लेना। एक्चुअली गाइस, आज मैं इस प्रोडक्ट का ज्यादा कुछ नहीं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इसका काफी सारा वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगा, जो कि इसका रिव्यू है, कैसे यूज करना है, सारी चीज मिल जाएगा। आज मैं आपको एक ही टॉपिक पे बात करूंगा इस प्रोडक्ट की, जो कि काफी सारे लोग गलती कर रही है और उनको काफी सारा पैसा वेस्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। खरीद तो ले रहा है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे। आपको यहाँ पर सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम के नीचे लिखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोन्स। ये जो ब्रोन्स टाइप का जो शेड है, ये एक्चुअली नॉर्मल स्किन के लिए है, जो कि ज्यादा फेयर नहीं है, ज्यादा डार्क भी नहीं है, नॉर्मल, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन बहुत फेयर है तो उसके लिए अलग से शेड आते हैं, जो कि ब्रिज। तो इसी चीज में लोग गलती कर रही है, लोग मार्केट पे जा रही है जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है ठीक है, आपको भी जानकारी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। अगर मेरे इस रिव्यू से अगर उनको थोड़ी सी भी समझ आई तो मैं समझूंगा ठीक है, लेकिन उन लोगों को एक ही गलती कर रही है, भाई मेरे को एक Lakme 925cc क्रीम दे दो, भैया मेरे को एक ये क्रीम दे दो, और जस्ट वो लोग दे देते हैं। उनको स्किन शेड के बारे में कुछ नहीं पता है और शॉप वाले भी उसे दे देते हैं, तो इसीलिए गलती कर रही है। लेकिन इस प्रोडक्ट को आप आंखों के आसपास बिल्कुल भी ना ट्राई करें, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जो फाउंडेशन अप्लाई कर रहा है Lakme 925 कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम को, वो बता रही है कि इसे आंखों में भी लगाओ, आंखों की साइड में भी लगाओ, क्योंकि आंखों के नीचे कालापन है, साइड में कालापन है, उसकी जगह कुछ और नेचुरल मेकअप कर सकते हैं, इसे मत यूज करो, क्योंकि इसमें काफी सारा केमिकल का यूज हुआ है। लेकिन एक चीज तो मैं भरोसा लायक हूँ और मुझे काफी कॉन्फिडेंट है, और आपको यूज करने के लिए मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ये एक्चुअली पैराबिन फ्री है, और अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, ऐसे कुछ खास बात नहीं है। अगर इसका सन प्रोटेक्शन की बात करें, वो चीज मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन आपको ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, आपको इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। अब जब फेस वॉश कर लोगे उसके बाद आप एक अच्छा सा नेचुरल मॉइस्चराइजर अपने फेस में अप्लाई करने के 1 आवर लेटर आप मेकअप को ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन के लिए हेल्पफुल होगा और अच्छा होगा। ऐसे Lakme 925cc कॉम्प्लेक्शन केयर दावा करते हैं कि आपकी स्किन को फाउंडेशन लुक्स के साथ साथ आपको मॉइस्चराइज भी करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। और बात करते हैं कौन से लोग वाले इसे यूज कर सकते हैं, मतलब मेल या फीमेल। अगर मेल को ये यूज करना शोभा नहीं देगा, लेकिन मेल यूज करना चाहते हैं तो बॉयज इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन एक गर्ल्स की प्रोडक्ट है तो गर्ल्स पे ही शूट करेगा। सो ऐसे ही आपको यूज करना चाहिए। ये प्रोडक्ट का रिव्यू लाइक कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ वो जो गलती था ब्रोन एंड ब्रिज का, उसी को कम्प्लीशन करके आपके साथ शेयर करो। सो गाइस, यही था इसका छोटा सा रिव्यू, कैसा लगा आपको रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।